वाकया सुनिए जरा, मुस्तफा के लाडले हसनैन का। अभी आप शब्बीर की अस्मत समाज फरमा रहे थे। लीजिए कैसेट के बी साइड में फातिमा की सहाबत कलाम लिखा है आतिफ सैदपुरी ने। आवाजें हैं हाजी तस्लीम आसिफ की और म्यूजिक है जनाब सुंदरम जी का। सामईन मुलाहिजा फरमाइए, दोस्तों एक वाकया सुनिए जरा, मुस्तफा के लाडले हसनैन का यानी फातिमा की सहाबत। हक्काला ने बड़ा रुतबा दिया, दो जहां में पर तरो बाला किया। साफ है कुरान में लिखा हुआ, पाक है घर भर नबी की आल का। पंजतन की शान है सबसे जुदा, मेहरबान हर वक्त रहता है खुदा। देखिए तारीख पढ़कर जान जाओगे नबी की आल को। जानता है हर बशर उनका मकाम, दिल से रहता है निसार उन पर मदाम। बारहा अल्लाह ने उनके लिए काम नामुमकिन मुमकिन कर दिए। उठाए नाज है सारी दुनिया में हुए मुमताज हैं। एक दफा की बात करता हूँ रकम है ताज्जुब खेद सुनिए मोहतरम। मस्जिद नबवी में बैठे थे नबी, साथ में थे और कुछ असहाब भी। ऐसा मंदर था फरिश्ते थे निसार, रहमतें बरसाता था परवरदिगार। लग रहा था दिल कशो प्यारा समा, चार सू असहाब हजरत दरमिया। सरकारे दुआलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा इकराम के बीच में कुछ बात फरमा रहे थे कि एक साइल आपके दरबार में आता है और कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मेरे घर में दो बेटियां जवान हैं, मैं उनकी शादी करना चाहता हूं, लेकिन मुफलिसी की वजह से मैं उनकी शादी नहीं कर पा रहा हूं। हुजूर आप मेरी कुछ मदद फरमाइए, आप तो सरवरे कायनात हैं। आया इतनी में बशर एक खस्ता हाल, था सवाली वो किया उसने सवाल। या नबी फरियाद सुन लीजिए मेरी, आपकी इमदाद अब कीजिए मेरी। मुफलिसी ने कहर तोड़ा है अजीब, तंग दस्ती ने बनाया है गरीब।
हो गई है जाने क्यों किस्मत खफा, बन गया है वक्त बिल्कुल बेवफा। है भरी दुनिया मगर तन्हा हूँ मैं, अपनी हालत देख कर रोता हूँ मैं। रब ने बख्शी है मुझे दो बेटियां, हो गई है अब वो दोनों ही जवान। जब भी पड़ती है मेरी उन पर नजर, कांपते हैं फिक्र से कलबो जिगर। मुफलिसी का हाल और दो बेटियां, कर सकूंगा कैसे इनकी शादियां। सोच लेता हूँ मैं जब इस बात को, नींद उड़ जाती है मेरी रात को। हो गई मुद्दत यूं ही रहते हुए, बेटियों का रंजो गम सहते हुए। हो गया दुनिया से ना उम्मीद जब, नागहां जज्बा उठा ये दिल में तब। नागहां जज्बा उठा ये दिल में तब, नागहां जज्बा उठा ये दिल में तब। छोड़कर सबको कहूं सरकार से, छोड़कर सबको कहूं सरकार से, छोड़कर सबको कहूं सरकार। जहां के मालिक हो मुख्तार से, तो जहां के मालिक हो मुख्तार से, तो जहां के मालिक हो मुख्तार से, तो जहां के मालिक हो मुख्तार से। द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से कहते हैं कि अली तुम इस साहिल की कुछ मदद करो। आप उस साहिल को अपने साथ लेकर चल देते हैं, मुफलिसी में खुद ये करते हैं गुजर। कह दिया सरकार ने क्या सोचकर, वो साहिल अपने दिल में सोचता है कि अली तो खुद मुफलिस हैं, खुद गरीब हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है सामीन, मुलाहिजा फरमाइए आगे का हाल। आपकी शोहरत जमाने भर में है, दीन दुनिया का खजाना घर में है। आपकी खातिर बनी है कायनात, मानता है आपकी अल्लाह बाप। आपके कब्जे में है सारा जहां, आप हैं सारे जहां पर हुक्मरान। आप लौटाते नहीं खाली कभी, जो भी चाहो आप दे पाओ सभी। मैं भी आया हूं इसी उम्मीद पर, होगी मुझ पर भी इनायत की नजर। है जरूरत मुझको सर की दो के जर, पर सदा कर दूंगा अब मैं जल्द तर। इल्तजा सुनकर सवाली की नबी, मुस्कुरा कर बोले ए मौला अली। आप इसकी दूर मुश्किल कीजिए, इसको मांगी मुरादें दीजिए। कीजिए पूरा सवाली का सवाल, जिस कदर ये चाहता है दीजिए माल। जब सुना फरमान ये सरकार से, साथ में लेकर अली उसको चले। दिल में आता था
सवाली के ख्याल, क्या मुझे देंगे अली ये खस्ता हाल, क्या मुझे देंगे अली ये खस्ता हाल, क्या मुझे देंगे अली ये खस्ता हाल। मुखलिसी में खुद ये करते हैं गुजर, मुखलिसी में खुद ये करते हैं गुजर, मुखलिसी में खुद ये करते हैं गुजर। कह दिया सरकार ने क्या सोच कर, मौला अली उस साहिल को अपने घर लेकर आते हैं और बीबी फातिमा से कहते हैं कि ऐ फातिमा तुम इस साहिल की कुछ मदद करो। हजरत फातिमा जवाब देती हैं कि आपको तो खुद मालूम है कि घर में कुछ नहीं है, मैं इसकी किस तरह से मदद करूं। लेकिन आप कहती हैं कि लाडले हसनैन को ले जाइए और गिरवी दोनों को रख आइए, उनके बदले में मिलेगी जो रकम इस जरूरतमंद को दे देंगे हम। आगे क्या होता है सामीन मुलाजा। जब के पहुंचे घर अली ये मुर्तजा, सारा किस्सा बीबी जहरा से कहा, फातिमा जहरा अगर कुछ घर में हो साथ आया आपके बाबा ने भेजा है इसे, आज अपने घर मदद के वास्ते है जरूरतमंद कुछ दर दीजिए, दूर इसकी मुश्किलों को कीजिए। बीबी जहरा सुन के ये कहने लगी, प्यारे शौहर क्या खबर तुमको नहीं, आज घर में कुछ नहीं इमदाद को, खुश करूं कैसे दिले नाशाद को, शर्म आती है मुझे मैं क्या करूं, कैसे बाबा का भरम अपने रखूं। है हकीकत कुछ नहीं है पाप दर, हुक्म बाबा का निभाना है मगर, माल दौलत क्या अगर मौका हुआ, नाम पर कर दूंगी उनके जान फिदा। ऐ मेरे सरताज ऐसा कीजिए, इस सवाली की मदद यूं कीजिए, लाडले हसनैन को ले जाइए और गिरवी दोनों को रख आइए, और गिरवी दोनों को रख आइए, और गिरवी दोनों को रख आइए। उनके बदले में मिलेगी दो रकम, उनके बदले में मिलेगी दो रकम, उनके बदले जरूरतमंद को दे देंगे हम। Thank you.
यहूदी से पैसे लेकर उस साहिल को दे देते हैं और खुश होते हैं कि आज हमने सरकार की बात रख ली, हमारी इज्जत रह गई। और आप घर आते हैं, घर आकर बिस्तर पर लेटते हैं और सो जाते हैं। इधर हजरत फातिमा गमगीन है कि सूरज डूबने वाला है, किस तरह से मैं अपने शौहर को जगाऊं। दिल के हाथों हो गई मजबूर, जब पास में पहुंची जगाने को तब फातिमा की बात उन्होंने मान ली। चल दिए बाजार को मौला अली। हम कर बच्चों की वालिद भूलियां, हो गए बाजार की जान रवा। शब्बर और शब्बीर दोनों शाद थे, बिक रहे हैं हम नबी के नाम पे। जागेंगी सुमते रब की कसम, आज से हो जाएंगे अनमोल हम। अलगरज बाजार में पहुंचे अली, एक यहूदी से कहीं बातें सभी। बच्चे गिरवी मेरे तुम रख लीजिए, मालो दर बदले में इनके दीजिए। जब मैं लौटा दूं तुम्हारा माल उजर, करना वापस तुम तभी मेरे पिसर। सुन के ये बोला यहूदी भूतुरा, गिरवी बच्चों को तो रख लूंगा चना। हाँ मगर एक शर्त है सुनिए जरा, तुमको हर हालत में होगी मानना। चाहिए बच्चे तुम्हें वापस, अगर शाम को आना पड़ेगा जल्द तर। शाम को सूरज छुपे जो आओगे, लाडले वापस न अपने पाओगे। लाडले वापस न अपने पाओगे, लाडले वापस न अपने पाओगे। बोले है दर मानते हैं शर्त हम, बोले है दर मानते हैं शर्त हम, बोले है मगर इस वक्त तो दे दो रकम। कैसी शान है, हजरते फातिमा गमगीन है कि किस तरह से मैं अपने शौहर को जगाऊं। हजरते फातिमा आपके करीब पहुंचती है और आपकी आंखों से आंसू हजरते अली रजी अल्लाह तआला के चेहरे पर गिरते हैं और वो मोती बन जाते हैं। हजरते मौला अली दौड़े शिताब, ले गए बाजार मोती कामयाब। आप वो मोती बाजार में लेकर जाते हैं। शर्त मानी मुर्तजा ने पाया जर, और आए दौड़ कर वो अपने घर। आए साहिल को अता की सब रकम, रख लिया हुक्मे मोहम्मद का भरम। हो गई हल मुश्किलें साहिल की, जब राहतें मौला अली ने पाई तब। शादमा के घर में जब पहुंच
मगर सहरा के दिल में खलबली। आस थी लेकिन खुदा की जात से, फिक्र बिल्कुल भी न थी इस बात से। मुतमईन थे दोनों को इस काम से, गा रहे थे धुन दुरूद पाक के। वो सुकून पाया खिली दिल की कली, हो गए ख्वाबी दबिस्तर पर अली। देर तक सोते रहे फिर बेखबर, शाम का आने लगा मंजर नजर। देखा जब सहरा ने सूरज डूबता, पड़ गई मुश्किल में अब क्या हो खुदा। कैसे शौहर को जगाऊं क्या करूं, आखिर अश्रू से सिस्तियां कब तक भरूं। कश्मकश में फातिमा जहरा पड़ी, क्या करूं कुछ अकल में आता नहीं। क्या करूं कुछ अकल में आता नहीं, क्या करूं कुछ अकल में आता नहीं। दिल के हाथों हो गई मजबूर जब, दिल के हाथों हो गई मजबूर जब, दिल के हाथों हो गई मजबूर जब। पास में पहुंची जगाने को वो तब, पास में पहुंची जगाने को वो तब, पास में पहुंची जगाने को वो तब, पास में पहुंची जगाने को वो तब। मोती लेकर बाजार में जाते हैं और वो मोती एक जौहरी को दिखाते हैं। जौहरी आपसे कहता है कि आपको कितनी कीमत चाहिए, आपको वो मुंह मांगी कीमत दे देता है। आप उस कीमत में से 200 दीनार निकाल लेते हैं, बाकी राहे खुदा में खैरात कर देते हैं। आप वो 200 दीनार लेकर उस यहूदी के घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में सूरज गुरूब हो जाता है। आगे क्या होता है सामाई समाप्त समय। फिर ख्याल आया न हो ये माजरा, हो न जाए ये जगाने से खफा। बारहा सोचा मगर फिर रुक गई, अपने शौहर को नहीं उठा सकी। बैठ कर जहरा अली के पास में, मांगती थी दिल ही दिल में मन्नते। अब बेचैनी के दिल पर छा गए, नागहाँ में आंसू आ गए। आंख से आंसू छलक कर गिर पड़े, और चेहरे पर अली के जा गिरे। रब ने दिखलाया करिश्मा उस घड़ी, बन गए वो अश्क मोती कीमती। मोतियों में थी चमक इस जोर की, भर गई घर भर में सारे रोशनी। जब गिरे मोती अली खुल गई आंखें अली और जाग उठे। हो गए मसरूर दोनों देख कर, गैब से इमदाद पाई खूब तर। फातिमा बोली अली से जाइए, जाके ये बाजार में बेच जाइए। हो गई है देर तो वादे में हूँ, होने ही वाला है सूरज
जो शर्त हुई थी वो तो खत्म हो गई, सूरज डूब गया है, मैं अब आपके बच्चे आपको वापस नहीं दूंगा। हजरत अली अपनी उंगली का इशारा करते हैं और डूबा हुआ सूरज दोबारा वापस निकल आता है। ये देखकर सारे यहूदी ईमान ले आते हैं और कलमे तैयब पढ़ते हैं। जौहरी को जब दिखाए खुश हुआ, बोला हजरत लोगे इनके दाम क्या। ये सूरत किस कदर होती बता, मिल गई मुमा की कीमत पर मला। फिर यहूदी के यहाँ दौड़े गए, बोले मुझको दीजिए बेटे मेरे। हस्त बोला होके अबली है खबर, आए हो किस मुंह से लेने को सर। छुप गया सूरज कभी का जाइए, अब नहीं दूंगा मैं बच्चे आपके। सुन के ये मौला अली कहने लगे, सामने सूरज है देखो गौर से। जब इशारा उनका सूरज को मिला, तब अतन दोबारा जाहिर हो गया। डाली जब ऊपर यहूदी ने नजर, रह गया वो तंग मंजर देख कर। कैसे सूरज आया वापस डूब कर, धूप की किरणें गई कैसे बिखर। वो गया खामोश और दरहम लिए, मुर्तजा के लाडले वापस किए। बाप से बच्चे मिले शादा हुए, अजमतों पर उनकी सब हैरान हुए। अजमतों पर उनकी सब हैरान हुए, अजमतों पर उनकी सब हैरान हुए। अल्लाह अल्लाह क्या निराली शान है, अल्लाह अल्लाह क्या निराली शान है, अल्लाह अल्लाह क्या निराली शान है। उन पे आतिफ जा मेरी कुर्बान है,
गया दुनिया से न दिल में तब ना कहा जब भाव था ये दिल में तब छोड़कर सबको कहूँ सरकार से तो जहाँ के मालिक हो मुख्तार से साहिल की कुछ मदद करो। आप उस साहिल को अपने साथ लेकर चल देते हैं। मुफलिसी में खुद ये करते हैं गुजर। कह दिया सरकार ने क्या सोचकर। वो साहिल अपने दिल में सोचता है कि अली तो खुद मुफलिस हैं, खुद गरीब हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है सामईन, मुलाहिजा फरमाइए आगे का हाल। आपकी शोहरत जमाने भर में है, दीन दुनिया का खजाना घर में है। आपकी खातिर बनी है कायनात, मानता है आपकी अल्लाह बाप। आपके कब्जे में है सारा जहां, आप हैं सारे जहां पर हुक्मरान। आप लौटाते नहीं खाली कभी, जो भी चाहो आपसे पाओ कभी। मैं भी आया हूं इसी उम्मीद पर, होगी मुझ पर भी इनायत की नजर। है जरूरत मुझको सर की दो के सर, पर सदा कर दूंगा अब मैं जल्द तर। इल्तिजा सुनकर सवाली की नबी, मुस्कुरा कर बोले ऐ मौला अली। आप इसकी दूर मुश्किल कीजिए, इसको मांगी मुरादें दीजिए। कीजिए पूरा सवाली का सवाल, जिस कदर ये चाहता है दीजिए माल। जब सुना फरमान ये सरकार से, साथ में लेकर अली उसको चले। दिल में आता था सवाली के ख्याल, क्या मुझे देंगे अली ये खस्ता हाल। क्या मुझे देंगे अली ये खस्ता हाल। क्या मुझे देंगे अली ये खस्ता हाल। मुफलिसी में खुद ये करते हैं गुजर। मुफलिसी में खुद ये करते हैं गुजर। मुफलिसी में खुद ये करते हैं। कह दिया सरकार ने क्या सोच कर। 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 Thank you.
फरमाते मौला अली उस साहिल को अपने घर लेकर आते हैं और बीबी फातिमा से कहते हैं कि ऐ फातिमा तुम इस साहिल की कुछ मदद करो। हजरत फातिमा जवाब देती हैं कि आपको तो खुद मालूम है कि घर में कुछ नहीं है, मैं इसकी किस तरह से मदद करूं। लेकिन आप कहती हैं कि लाडले हसनैन को ले जाइए और गिरवी दोनों को रख आइए, उनके बदले में मिलेगी जो रकम इस जरूरतमंद को दे देंगे हम। आगे क्या होता है सामीन सुना सकते हैं। जब के पहुंचे घर अली ये मुर्तजा, सारा किस्सा बीबी जहरा से कहा। फातिमा जहरा अगर कुछ घर में हो, साथ आया है सवाली उसको दो। आपके बाबा ने भेजा है इसे आज अपने घर मदद के वास्ते। है जरूरतमंद कुछ दर दीजिए, दूर इसकी मुश्किलों को कीजिए। बीबी जहरा सुन के ये कहने लगी, प्यारे शौहर क्या खबर तुमको नहीं, आज घर में कुछ नहीं इमदाद को, खुश करूं कैसे दिले नाशाद को। शर्म आती है मुझे मैं क्या करूं, कैसे बाबा का भरम अपने रखूं। है हकीकत कुछ नहीं है पास दर, हुक्म बाबा का निभाना है मगर। माल दौलत क्या अगर मौका हुआ, नाम पर कर दूंगी उनके जान फिदा। ऐ मेरे सरताज ऐसा कीजिए, इस सवाली की मदद यूं कीजिए। लाडले हसनैन को ले जाइए और गिरवी दोनों को रख आइए, और गिरवी दोनों को रख आइए, और गिरवी दोनों को रख आइए। उनके बदले में मिलेगी दो रकम, उनके बदले में मिलेगी दो रकम, उनके बदले जरूरतमंद को दे देंगे हम। पैसे लेकर उस साहिल को दे देते हैं और खुश होते हैं कि आज हमने सरकार की बात रख ली, हमारी इज्जत रह गई। और आप घर आते हैं, घर आकर बिस्तर पर लेटते हैं और सो जाते हैं। इधर हजरत फातिमा गमगीन है कि सूरज डूबने वाला है, किस तरह से मैं अपने शौहर को जगाऊं। दिल के हाथों हो गई मजबूर जब पास में पहुंची जगाने को। फातिमा की बात उन्होंने मान ली, चल दिए बाजार को मौला अली। थाम कर बच्चों की वालिद भूलियां, हो गए बाजार की जानिब रवा। शब्बर और शब्बीर दोनों शाद थे, बिक रहे हैं हम नबी के नाम पे। जागेंगी सुमतें रब की कसम, आज से हो जाएंगे अनमोल हम।
अलगरज बाजार में पहुंचे अली। एक यहूदी से कहीं बातें सभी, बच्चे गिरवी मेरे तुम रख लीजिए, मालो दर बदले में इनके दीजिए, जब मैं लौटा दूं तुम्हारा माल उजर, करना वापस तुम तभी मेरे पिसर। सुन के ये बोला यहूदी भूतुरा, गिरवी बच्चों को तो रख लूंगा चना, हाँ मगर एक शर्त है सुनिए जरा, तुमको हर हालत में होगी मानना, चाहिए बच्चे तुम्हें वापस अगर, शाम को आना पड़ेगा जल्द कर, शाम को सूरज छुपे जो आओगे, लाडले वापस न अपने पाओगे, लाडले वापस न अपने पाओगे, लाडले वापस न अपने पाओगे। बोले है दर मानते हैं शर्त हम, बोले है दर मानते हैं शर्त हम, बोले है मगर इस वक्त तो दे दो रकम, मगर इस वक्त तो दे दो रकम, मगर इस वक्त तो दे दो रकम, मगर इस वक्त तो दे दो रकम। कैसी शान है हजरते फातिमा, गमगीन है कि किस तरह से मैं अपने शौहर को जगाऊं। हजरते फातिमा आपके करीब पहुंचती है और आपकी आंखों से आंसू हजरते अली रजी अल्लाह तआला के चेहरे पर गिरते हैं और वो मोती बन जाते हैं। हजरते मौला अली दौड़े शिताब, ले गए बाजार मोती कामयाब। आप वो मोती बाजार में लेकर जाते हैं। शर्त मानी मुर्तजा ने पाया जर, और आए दौड़ कर वो अपने घर, आए साहिल को अता की सब रकम, रख लिया हुक्मे मोहम्मद का भरम, हो गई हल मुश्किलें साहिल की जब, राहतें मौला अली ने पाई तब, शादमा के घर में जब पहुंचे अली, थी मगर सहरा के दिल में खलबली, आस थी लेकिन खुदा की जात से, फिक्र बिल्कुल भी न थी इस बात से, मुतमईन थे दोनों को इस काम से, गा रहे थे गुन दुरूदे पाक के, वो सुकून पाया खिली दिल की कली, हो गए ख्वाबी दबिस्तर पर अली, देर तक सोते रहे फिर बेखबर, शाम का आने लगा मंजर नजर, देखा जब जहरा ने सूरज डूबता, पड़ गई मुश्किल में अब क्या हो खुदा, कैसे शौहर को जगाऊं क्या करूं, आखिर अश्रु सिस्तियां कब तक भरूं,
कश्मकश में फातिमा जहरा पड़ी। क्या करूं कुछ अकुल में आता नहीं,